बच्चों को कौन सी स्कूल में दाखिल करें, इसके बारे में पेरेंट्स सवाल करते रहते हैं, उसके बारे में आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तिज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कभी सारे पेरेंट्स आते हैं कि कौन सी स्कूल हमने चुनना चाहिए, ये सवाल रहता है। देखिए, जब स्कूल चुनी जाती है ना, तब मम्मी पापा क्या करते हैं, बोलते देखो महंगी स्कूल कौन सी है जहाँ बहुत ज़्यादा फीस है। तो भाई मेरा बच्चा इतने इतने बड़े बड़े स्कूल में जा रहा है जहाँ फीस इतनी है, तो ऐसा लोगों का एक स्टेटस सिंबल रहता है तो वहाँ डालते हैं। या फिर मेरा पड़ोसी या मेरा जो कॉम्पिटिटर है या हमारे ग्रुप में जो लोग हैं, उन्होंने कहाँ कौन से स्कूल में डाला हुआ है बच्चे को, फिर वो स्कूल में जाएंगे, मतलब उनसे कॉम्पिटिशन करना है हमको, तो ऐसे रहता है। तो ये जो बातें हैं वो ठीक नहीं है। मैं आपको 6 पॉइंट बता दूंगा कौन सी स्कूल में डालना चाहिए। नंबर एक, जो स्कूल में शारीरिक सजा है, पहले वो देखो कि शारीरिक सजा दी जाती है क्या, मारपीट ठोकते क्या बच्चों को टीचर्स, आजकल तो बहुत कम हो गया ठोकना, तो वो देखना जरूरी है कि भाई शारीरिक सजा देते हैं क्या बच्चों को। वो देखो सिंपल बातें है, तो वे नहीं लोगों को कान पकड़ के बैठक निकालने लगाना, या मुर्गा करना, या बेंच के ऊपर खड़े करना, या क्लास के बाहर खड़े करना, या झापड़ मारना, मतलब ऐसी सजा देते हैं क्या बच्चों को, तो वो देखना जरूरी है। आप नंबर एक। नंबर दो, स्कूल में काउंसिलर है क्या, साइकोलॉजिस्ट है क्या। क्या होता है कि बच्चे घर में काफ़ी सारी बातें बोलते नहीं है, टीचर के पास में बोलते नहीं है, और जब काउंसिलर सुनता है ना उनको, बच्चों को, और बच्चों को जब लगता है कि नहीं अपने को कोई सुनने वाला है और अपन जो बोलेंगे वो पूरा सुन के अपने से एम्पथाइज करेगा, है ना, तो फिर वो काउंसिलर के पास में सभी बातें बताता है। और काउंसिलर यदि एक्सपर्ट है वो, तो उसको मालूम पड़ता है कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। तो जो स्कूल में काउंसिलर है वो स्कूल ढूंढनी चाहिए। नेक्स्ट, जो स्कूल में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, सर्वांगीण विकास, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ये टेस्ट वो टेस्ट, ये पढ़ाई वो पढ़ाई, ऐसा नहीं। स्कूल में भाई खेल है, स्पोर्ट्स, फिर उनका आर्ट कला, उसके बारे में काफ़ी डेवलपमेंट है, फिर बाकी जनरल सर्वांगीण विकास जो है बच्चों का वो होता है, जनरल डेवलपमेंट होता है। क्या बच्चों को पिकनिक ले जाते हैं, बच्चों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में विजिट करवाते हैं, फिर अलग अलग जो है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकलिटी इन लाइफ, लाइफ में प्रैक्टिकल क्या है वो, उसके बारे में टीचिंग किया जाता है। मतलब ये देखना जरूरी है कि बाकी स्कूल में क्या क्या किया जाता है और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा कि नहीं हो रहा। नंबर चार, उसके साथ साथ देखो, मतलब कि वे मम्मी पापा को बुलाते हैं स्कूल में, उनके साथ में कॉन्टेक्ट रखते हैं, उनके साथ में रिलेशनशिप है, उनको एक लूप में रखते हैं कि बच्चों को क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मम्मी पापा का विकास होने के लिए कोई पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, या पेरेंट्स का कोई काउंसलिंग होता है, पेरेंट के बारे में सेमिनार स्कूल में होते हैं, या पेरेंट्स की मीटिंग होती है मंथली, तो ये वो जरूरी है कि मम्मी पापा का विकास हो रहा कि नहीं हो रहा। फिर पांचवा, स्कूल में बाकी फैसिलिटीज जो है ना, वो फैसिलिटीज अपना घर जो है तो घर के स्टैंडर्ड्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह एकदम सिंपल भाषा में कि भाई आपके घर में एसी है तो स्कूल में एसी नहीं हो, आपके घर में एसी नहीं है तो स्कूल में एसी वाली स्कूल नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि घर में एसी नहीं है, स्कूल में एसी ये करेगा, बच्चा बैठेगा एसी के रूम में, कमरे में, और फिर उसको लगेगा देखो अपने घर में एसी नहीं है, उसको घर में इन्फीरियर लगने लगेगा। या स्कूल का स्टैंडर्ड इतना बड़ा है कि वहाँ सब बड़े बड़े घर के लोग आते हैं, बड़े बड़े घर के बच्चे आते हैं, वो मर्सिडीज कार में आ रहे, BMW में आ रहे, और वो अपना बड़प्पन बताते हैं, तो अपना बच्चा दब जाएगा वहाँ कि भाई अपन तो साइकिल पे आते हैं, अपने पप्पा अपने को स्कूटी पे छोड़ते हैं। तो अपने स्टैंडर्ड से, अपना जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, अपना जो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड है, उससे ऐसी स्कूल की जहाँ बहुत बड़े बड़े बच्चे आ रहे, बड़े बड़े घर के बच्चे आ रहे, वो स्कूल में हम डाल रहे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स उसको आ जाएगी, उसका सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाएगा, वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम ये किया वो किया ये कुछ बात ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं क्या होता है बाकी, तो वो नहीं होना चाहिए। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट आखिरी का, कि स्कूल अपने पास की होनी चाहिए, जितनी नज़दीक स्कूल है उतना अच्छा है। क्या रहता है कि बहुत दूर की स्कूल है, बस आ रही है, सब चक्कर मार के घूमा घूमा फिरा के एक एक 1.5 घंटा बच्चों को जमा करते करते स्कूल में लेके जा रही है, सो सुबह का 1.5 घंटा जा रहा है, शाम का वापस आने के लिए 1.5 घंटा जा रहा है, 2-3 घंटे बच्चा बस में ही है, उससे अच्छा
वो जो टाइम कम लगता है, मतलब टाइम कम लगेगा उसको जाने के लिए, तो उसका डेवलपमेंट करने का हमको टाइम मिलेगा। 3 घंटा यदि उसका बचता है बच्चे का, तो उसको हम बाकी और कुछ बातें सिखा सकते हैं और फिर उसका बाकी डेवलपमेंट होना संभव है। नहीं तो क्या है कि 3 घंटे उसमें आने जाने में लग गए उसको, भले स्कूल अच्छी है मगर 3 घंटे लग रहे तो फिर फायदा नहीं है। तो एक तो स्कूल पास के लो या स्कूल के पास में घर लो, भले स्कूल बहुत ही अच्छी है तो हमको वहाँ स्कूल के पास में घर लेना पड़ेगा। तो इस तरह का हमको देखना है कि भाई कौन सी स्कूल हमको चुनना है, और ये हम पैरामीटर्स लगा देंगे 6 पैरामीटर्स, तो डेफिनेटली आपका बच्चा एक अच्छे स्कूल में जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर, अभी समय है कि बच्चों को स्कूल में डालने का है, कौन सी स्कूल चुनना है, तो जरूर वीडियो सभी लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।